तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी और बिल्कुल मार्केट जैसा स्ट्रॉबेरी जैम। जी हाँ, स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी आ रही है मार्केट में, और वैसे भी जब भी आप जैम बनाते हैं तो आपको सीजनल फ्रूट्स का ही यूज करना चाहिए। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट इसका जो है कंसिस्टेंसी आई है और कितना अच्छे से ये स्प्रेड हो रहा है। तो आप जब मार्केट से जैम खरीद के लाते हैं, बहुत महंगा होता है आपको पता ही है, लेकिन सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स की मदद से आज हम ये जैम रेडी करने वाले हैं और बहुत ही कम टाइम में। तो उन सभी को बहुत सारा थैंक यू जिन्होंने मेरी रेसिपी देख के अपने घर पे रेसिपीज ट्राई की हैं और साथ ही मैं इतने सारे एफर्ट्स लेके अपनी बनाई हुई इस रेसिपी को शेयर किया है मेरे साथ इंस्टाग्राम पे मुझे टैग कर, थैंक यू सो मच। तो अगर घर का बना हुआ साफ सुथरा जैम हमें मिलता है तो हम मार्केट से क्यों लाएंगे। तो स्ट्रॉबेरी जैम बनाने के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स लेने होंगे, जैसे कि सबसे पहले हम लेंगे स्ट्रॉबेरीज। तो बिल्कुल फ्रेश स्ट्रॉबेरीज मार्केट में मिल रही है। स्ट्रॉबेरीज जो है मैंने ली है यहाँ पर लगभग 300 ग्राम के करीब, और अगर आप कप से मेजर करें तो ये लगभग 2 कप के करीब है। अब यहाँ पर हम जो है इसका जो ऊपर वाला हरा वाला पार्ट होता है पत्ते वाला, उसे इस तरीके से रिमूव कर देंगे क्योंकि इसका जो स्टेम है वो भी हम बाद में हटाने वाले हैं। तो अभी फिलहाल हम इसके पत्ते हटा लेते हैं, इसके बाद हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे। यूजुअली मुझे जो है कोई भी जैम होता है उसमें फ्रूट के चंक्स बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसे थोड़े बड़े पीसेस में कट कर रही हूँ। अगर आपको उसे बिल्कुल स्प्रेड लाइक कंसिस्टेंसी अगर आपको चाहिए तो एकदम बारीक आपको इसे कट करना होगा। तो जब भी आप कोई फ्रूट लें तो इन्हें ठंडे पानी में अच्छे से वॉश कर लीजिए और इनकी सारी गंदगी हटा लीजिए, उसके बाद आप इन्हें इस तरीके से कट कर सकते हैं। अगर आपको जैम स्टोर करना है तो आपको ध्यान ये रखना होगा कि स्ट्रॉबेरी जो है वो बिल्कुल पानी से भीगी हुई नहीं होनी चाहिए, उन्हें आप किसी कपड़े से पोंछ लें पहले और उसके बाद ही इन्हें जैम बनाने के लिए इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर हमारी जो स्ट्रॉबेरीज हैं वो कट के रेडी हो चुकी है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप ये करना होगा कि हमें लेना है एक बोल, और बोल के अंदर ये सारी स्ट्रॉबेरीज को हम ट्रांसफर कर लेंगे। तो सीजनल फ्रूट की मैं बात करूं तो अभी विंटर्स हैं और विंटर्स में बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्रूट्स होते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 कप के करीब चीनी लगभग, और इस चीनी को हम स्ट्रॉबेरी के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये करते समय आपको ध्यान ये रखना है कि स्पैचुला की मदद से आपको स्ट्रॉबेरी के जो चंक्स हैं, जो टुकड़े हैं, उन्हें थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाना है। जब स्ट्रॉबेरी का जो रस है थोड़ा सा निकलेगा और उसके साथ जब चीनी घुलेगी तो इसका बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आएगा और एक ऐसा कंपोनेंट रेडी होगा जिसकी वजह से जो है स्ट्रॉबेरी की जेली रेडी होगी और हमें एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग मैंने 1/4 कप के करीब चीनी और इसमें ऐड की है। तो चीनी आपको कितनी ऐड करनी है, लगभग जितनी भी आप स्ट्रॉबेरी लेते हैं तो यूजुअली उसमें हमें उसकी आधी चीनी लेनी होती है, लेकिन कभी कभी स्ट्रॉबेरीज कोई खट्टी होती हैं तो आपको थोड़ी सी चीनी ज़्यादा यूज़ करनी पड़ सकती है। यहाँ पर हमने इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ा था, और आप देख सकते हैं कि सिर्फ 5 मिनट में चीनी ने अपना काफ़ी सारा पानी रिलीज कर दिया है। और तब भी आपको यही प्रोसेस करनी है एक बार और कि स्ट्रॉबेरीज के टुकड़ों को थोड़ा थोड़ा हाथ से प्रेस करके इस तरीके से इसको मिक्स करना है। अब यहाँ पर एक पैन को मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे गर्म किया है और उसमें हम ऐड करेंगे हमारा मिक्सचर चीनी और स्ट्रॉबेरी का। तो आपको ध्यान रखना होगा कि कभी भी आपको इसकी फ्लेम मीडियम या फिर हाई नहीं रखनी होगी, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो जो हमने चीनी ऐड की है वो जल सकती है और जैम का जो टेस्ट है और कलर है दोनों ही खराब हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीनी बिल्कुल घुल गई है और आपको एक भी दाना चीनी का नजर नहीं आ रहा होगा, सिर्फ आपको जो पानी दिख रहा है उसी पानी में हमें स्ट्रॉबेरी को कुक करना है। तो लगभग यहाँ पर 5 से 6 मिनट हुए हैं और इसे हम इस तरीके से अच्छे से मैश करते जाएंगे, और कंटिन्यूसली इसे स्टर करना बहुत ज़रूरी होगा क्योंकि इसमें हमने चीनी ऐड की है, तो चीनी बिल्कुल जल्दी से नीचे चिपक सकती है तले में, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये है इसका स्टेज 2, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका पानी जो है चीनी का काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि इसका पानी भी रिड्यूस हुआ है, साथ ही साथ जो स्ट्रॉबेरी है उनके टुकड़ों में आपको फर्क नज़र आ रहा होगा, वो काफ़ी घुल गए हैं चीनी के पानी के साथ। और इसे बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसे थोड़ा सा हम बॉयल होने देंगे। यहाँ पर है इसका स्टेज 3,
तो आप देख सकते हैं कि इसका पानी बहुत ही अच्छे से बॉईल हो गया है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि कभी भी आप जैम बनाएं किसी भी फ्रूट का, कभी भी आप पैन को या किसी भी बर्तन को ढके ना, अगर आपने ऐसा किया तो चीनी की वजह से इसका कलर चेंज हो सकता है। आप देख सकते हैं इसका फाइनल स्टेज और अब हम इसे चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको देखना है कि सारा पानी अच्छे से रिड्यूस हो जाना चाहिए, ये देखिए। और इसे इस तरीके से घोटते हुए आपको चलाना है ताकि स्ट्रॉबेरीज के चंक्स जो है मैक्सिमम चीनी के पानी के अंदर अच्छे से घुल जाएं। ये देखिए इस तरीके से स्पैचुला की मदद से आपको इसे स्टर करते रहना होगा। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि ओवर कुक ना हो जाए हमारा जैम, अगर ऐसा हो गया तो बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाएगा और वो स्प्रेड करने की कंसिस्टेंसी में नहीं रहेगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये बिल्कुल ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी है और ये एकदम परफेक्ट है स्टोर करने के लिए भी और स्प्रेड करने के लिए भी, क्योंकि जब भी हम जैम वगैरह खाते हैं तो उसे हम चपाती या फिर ब्रेड पे स्प्रेड करके खाते हैं, तो एटलीस्ट उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि आप उसे इजीली स्प्रेड कर सकें। ये देखिए, तो इसे परफेक्टली चेक कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे। तो अब हम यहाँ पर एक लेंगे ड्राई प्लेट, ये प्लेट बिल्कुल ड्राई है, इसके ऊपर इस तरीके से कुछ ड्रॉप्स हम जो है जैम के ऐड करेंगे और इसमें आपको कोई फ्लेवर ऐड करने की जरूरत नहीं है। जब भी हम ये इस प्लेट को हम लगभग एक मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे या फिर आप ऐसे ही किचन काउंटर टॉप पे इसे छोड़ सकते हैं। अब इस स्टेज पे जब आपको कंफर्म हो जाए कि अब हम इसे और ज़्यादा कुक नहीं करने वाले हैं, ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ चुका है, तब हम इतनी क्वांटिटी में लेंगे आधे नींबू का रस। तो नींबू डालने से आपकी जो शुगर है वो क्रिस्टलाइज नहीं होगी और जमेगी नहीं, और आपके जब भी जैम आप खाएंगे तो आपको बिल्कुल मार्केट वाली फीलिंग देगा, बिल्कुल मुँह में करकर सी नहीं आएगी। अब हम एक मिनट बाद उस प्लेट को चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बिल्कुल भी रनी नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जब आप इसे इस तरीके से स्प्रेड करें तो ये इजीली स्प्रेड हो जाना चाहिए और इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से आपको चेक करनी है। तो इस स्टेज पे गैस की फ्लेम को बंद करना है, जैम को ठंडा होने देना है और फिर हम इसे सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए आप इसे किसी भी कांच की सूखी हुई एकदम ड्राई बॉटल में आप इसे स्टोर कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे फ्रिज पे, अगर आप नहीं चाहते फ्रिज में रखना तो किचन काउंटर पे भी आप इसे रख सकते हैं। लगभग 6 महीने तक इसे कुछ भी नहीं होगा। जो भी टिप्स मैंने बताई हैं उन्हें अच्छे से फॉलो कीजिएगा तो आपका जो जैम है वो आप आराम से 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्ट्रॉबेरीज में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए ऊपर की सतह पे। साथ ही साथ जिस बॉटल में आप स्टोर कर रहे हैं वो बॉटल एकदम ड्राई होनी चाहिए। तो है ना मज़ेदार रेसिपी, ज़रूर से बनाएगा। फ्रूट्स खाने का मज़ा तो है ही, साथ ही साथ उसके अलग अलग वैरायटी, अलग अलग डिशेस खाने का भी मज़ा बहुत ही अमेजिंग है। जल्दी से बनाइए, ट्राई कीजिए, खिलाइए सबको और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ट्यूसडे को, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं हर ट्यूसडे और सैटरडे को एक न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ, वीडियो को ज़रूर देखिए। बाय बाय।